नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस क्या है, जिसका नाम सुनकर हर कोई दहल उठता है। चाइना से ये निकला जो है कोरोना वायरस, और आज चाइना के आसपास के देश में जो है ये फैल चुका है, और जिसके चपेट में भारत भी है, मतलब भारत देश भी है, और जहाँ तक है वो दिल्ली तक पहुँच चुका है। लोगों में काफ़ी भय का माहौल है कि कोरोना वायरस क्या है, और इसी मुद्दे को लेकर डॉक्टर शेख सिद्दीकी साहब से हम आज बात करेंगे, जो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये कोरोना वायरस है क्या, ये कैसे लोगों में फैल रहा है, और ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और क्या है इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है प्रहार टाइम्स में आपका। कोरोना वायरस है क्या? ये एक्चुअली एक वायरस है जो कि जानवर में पाया जाता है। इसको बोलते हैं कोरोना विरिडी फैमिली। एक फैमिली ऑफ वायरसेस हैं जो कि जानवरों में पाया जाता है, खासतौर पे स्नेक्स में, रैट्स में, एंड इवन वाइल्ड बैट्स में पाया जाता है। और ये वायरस जो है एक स्पेशल टाइप का वायरस है, जो जिसकी एंटिटी हम बोलते हैं स्फेरिकल वायरस होता है, और इस टेनिस बॉल जैसा है, और इस वायरस के ऊपर छोटी छोटी नोकें होती हैं जिसको हम स्पाइक्स बोलते हैं। तो ये वायरस जो है जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट होता है। यूजुअली वो वायरस जानवरों के बीच में रिजर्वायर की तरफ पर होता है, और जानवरों में आपस में ट्रांसमिट होता है। जब ह्यूमंस जानवर के कांटेक्ट में आते हैं तो ह्यूमंस के अंदर वो वायरस आता है, और आने के बाद में वो सांस की नलियों में घुसता है, नाक में, थ्रोट में, फारिंग्स में, फेफड़ों की नली में जाता है, और वहाँ जाकर अपना घर बना लेता है। ये एक आरएनए टाइप का वायरस है, यानी कि ये वायरस खुद जो है अपने से कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जब वो इंसान के अंदर घुसता है तो इंसान के सेल्स के अंदर घुसता है, और सेल्स में घुसने के बाद में सेल्स के अंदर ही इंसान के डीएनए का इस्तेमाल करता है और फिर रेप्लिकेट करता है, यानी कि इंसान के अंदर घुस करके खुद अपनी नई जाति बनाता है और नया अपना नई जनरेशन बनाता है और मल्टीप्लाई करता रहता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उन अंगों पर जहाँ पर घुसता है उसको खोखला करने लगता है, और फिर प्रॉब्लम आना शुरू होती है, उसके लक्षण दिखने लगते हैं। मिसाल के तौर पर नाक में घुसा, सर्दी हुई, छींक हुई, खांसी हुई, गले में घुसा, गला दुखने लगा, फेफड़े में जब घुसता है, घुसने के बाद में वो वायरस निमोनिया करता है। फेफड़े में हम सांस लेते हैं, हमको ऑक्सीजन सब श्वास जो सारी जो चीज़ें ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, तो फेफड़ों के अंदर जाकर के जो सेल्स जहाँ से हम ऑक्सीजन मिलता है उनको डैमेज करने लगता है, और ऑक्सीजन की जो मात्रा जिसमें कम होने लगती है जिसको हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, बच्चों को दम लग देता है, सांस चल रही थी, छोटे हों बड़े हों सांस लगती है, निमोनिया डेवलप होता है। और जब बहुत ज़्यादा कंडीशन होती है तो शरीर में ऑक्सीजन मात्रा ड्रॉप होने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, तो उसकी वजह से दिमाग को भी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, किडनी पर भी असर पड़ने लगता है, तो खाना पीना लोग कम कर देते हैं। तो एक्चुअली वायरस ऐसा है जो कि घुसता है सांस की नली के जरिए, और बाद में उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है, पूरे शरीर पर असर पड़ता है। तो ये वायरस क्यों फैल रहा है, मतलब कैसा फैलता है वो? देखिए, एक्चुअली ये रेस्पिरेटरी वायरसेस है। वायरसेस जो है ना, जिसमें कई प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं रेस्पिरेटरी वायरस, कुछ होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल वायरस, कुछ होते हैं न्यूरोट्रॉपिक वायरसेस, यानी कि अलग अलग हिस्सों पर असर करने वाले वायरस अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ठीक है, हवा में करोड़ों दुश्मन पड़े हैं हमारे, वो उसमें वायरस एक ग्रुप है जो असर करता है इंसानों को। तो जो रेस्पिरेटरी वायरस होता है वो नाक से घुसा, फेफड़े की नली में गया, सांस के नली में घुसा, और फिर जब जिस्म में घुस जाता है उसके बाद में सेल्स में घुसने के बाद में अपन खुद उसको पना देती है, हमारे शरीर उनको पना देती है, तो हमारे शरीर में घुस करके वो अंदर पूरा घर बना लेता है, और फिर मल्टीप्लाई होने लगता है, और फिर जब खांसी आती है, सर्दी आती है, बलगम निकलता है, कफ निकलता है, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उसके जरिए वो हवा में ट्रांसमिट होता है, और उस ड्रॉपलेट्स के जरिए दूसरे को ट्रांसमिट होता है। पहले ये जो था, ये जो ग्रुप ऑफ कोरोना वायरस का ना, बहुत सारे एंटिटी हैं, बहुत सारे वायरसेस सब टाइप्स हैं। कुछ वायरसेस जो इंसानों में पाए जाते थे ना, 7 ग्रुप ने इंसानों को अटैक किया है, लेकिन वो लिमिटेड पीरियड के लिए अटैक किया था उन्होंने, उनके अंदर कुवत उतनी नहीं थी। जैसे मिसाल के तौर पे सार्स वायरस एक था जो पहले आया था, उसके बाद में डॉक्टर साहब 2013 में मतलब तरह तरह के, मतलब 2-3 ऐसे वायरस आए बीच में, उसका जो है मतलब उससे ये हट के ये वायरस है। हाँ, थोड़ा हट के वायरस है, क्योंकि इसने ये नॉर्मली कोरोना वायरस छोटी मोटी सर्दी इंसानों करता था, लेकिन ये वायरस म्यूटेट हो गया, नहीं, उसने अपनी शक्ल बदल ली है, और उसने अपने आपको बचाने के तरीके भी ढूंढ लिए। जैसे हमारे बॉडी में कुछ सेल्स घुसा, तो कुदरत का निज़ाम ये है, हम कुछ एंटीबॉडीज बनाते हैं, हमारी बॉडी नेचुरली तौर पर कुछ एंटीबॉडीज, कुछ केमिकल्स बनाती हैं जो हमारे सेल्स बनाते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स हमारे खून में होते हैं, जो कि केमिकल्स बनाते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं, उन वायरस को मार देते हैं। लेकिन ये वायरस ने ऐसा रास्ता ढूंढ लिया कि उन मिसाइल्स को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। और दूसरी बात है कि चूंकि ये वायरस ने नए शक्ल धारण कर लिया है, तो हमारे बॉडी के अंदर वो मिसाइल अभी तक बने नहीं उसे लड़ने के, आप समझ रहे हैं। अभी जो है इसके मतलब जैसा इससे निपटने के लिए मेडिसिन वगैरह देश में आ चुके हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि इसके पहले जो है जो वायरस फैला था उसका अभी मेडिसिन अभी चेकअप में है, वो अभी तक लोगों तक नहीं पहुँचा है, और ये नया वायरस जो है इसका मेडिसिन उपलब्ध है क्या?
नहीं, अनफॉर्चुनेटली देखिए ये वायरस नया वायरस, इसका नाम है नोवल 2019 वायरस, अभी नया वायरस निकला है और बदकिस्मती से इसको मारने की भी तो दवा नहीं बनी है। अब पहली बात तो सबसे पहले रिसर्च चल रही है कि आया कहाँ से, लोग इसी को लेकर परेशान है। अभी जनवरी 23 से इसके फर्स्ट केसेस दिखने लगे शुरू हुए, दिसंबर 23 से दिखने लगे, तो अभी जनवरी में जाकर ये वायरस ने अच्छा रूप धारण किया। और ये जस्ट चूंकि नया वायरस है इसके बारे में पहली बात तो ये किस तरीके से घुमाए लोगों को पता नहीं चला है, तो बहरहाल रिसर्च करने पर मालूम पड़ा कि जानवरों के जरिए ट्रांसमिट हुआ है। वुहान सिटी के अंदर कुछ लाइव एनिमल्स थे, स्नेक्स और बैट्स, उनके फिश मार्केट्स थे, वहाँ से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ है। लेकिन ह्यूमंस में ट्रांसमिट होकर के खत्म हो जाना चाहिए था उसको, लेकिन क्या ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहा है, इंसान एक इंसान दूसरे इंसान को ट्रांसमिट कर रहा है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो चूंकि इस वायरस ने अपनी शक्ल बदल ली, उसको बनने के लिए अभी तक कुछ दवा अभी तक बनी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वायरस जितने वायरसेस हैं अपने बॉडी में जो अटैक करते हैं, कुछ ही वायरस के अगेंस्ट दवाई हैं, जैसे HIV है, रोटो वायरस के कुछ मेडिसिन हैं, और फ्लू वाला वायरस है उसके लिए है, उससे टमावीर जैसे मेडिसिन हैं, लेकिन इसके लिए अभी तक कुछ बना नहीं है इसके लिए। लेकिन इसके लिए एंटीबॉडीज अपनी बॉडी बनाएगी, उसके वैक्सीन उसके बारे में वैक्सीन जो है जो उसके पर रिसर्च चल रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी रिसेंटली जो नया डेटा जो आया है उसमें उन्होंने वायरस को आइसोलेट किया, उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनने की गुंजाइश है, लोग उस पर रिसर्च। मतलब ये तो समझ में आ गया कि जो वायरस आ रहे हैं वो जानवरों के मतलब थ्रू आ रहे हैं, मतलब जानवरों से होकर वो आ रहे हैं, निकल कर आ रहे हैं वायरस जो है। लेकिन अगर किसी को वायरस जो है ये कोरोना वायरस हो जाता है तो उसके लक्षण, उसके जो है मतलब किस तरह से उसको मतलब पहचान जाए कि ये मतलब ये वायरस कोरोना वायरस है? बिल्कुल नहीं, आपने सही बिल्कुल फरमाया कि ये एक्चुअली एपिडेमिक चला हुआ है, यानी कि शुरुआत वुहान सिटी में, बाद में चाइना में और जगह फैलने लगा, उसके बाद और देशों में फैलने लगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है कि ये चूंकि रेस्पिरेटरी वायरस है, मरीज के अंदर लक्षण जो देखेंगे आपको रेस्पिरेटरी वायरस के लक्षण लगेंगे, सर्दी होगी, थोड़ी खांसी होगी, थोड़ा बुखार आएगा, बदन दुखेगा, तो नॉर्मल सब वायरस में ऐसे ही होता है बराबर। लेकिन चूंकि ये बहुत स्पीड रैपिडली स्प्रेड करता है, इसकी खासियत ये है, ये सबसे जो डेंजरस चीज इसमें वायरस में है कि ये इंक्यूबेशन पीरियड में भी फैलता है। मतलब क्या मतलब ये कि आपके अंदर घुसा, आपको उसके लक्षण मिनिमल लगे, लेकिन आप दूसरों को भी उस दरमियान ट्रांसमिट कर सकते हो। इससे पहले जो वायरस थे, जब मरीज को बहुत बड़ा रूप ले लेते, बड़ा निमोनिया हो जाता था, तब ट्रांसमिट करते थे। इसमें ऐसा नहीं है, ये इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान भी ट्रांसमिट हो रहा है और मरीज जब ठीक हो जाता है उसके बाद में भी ट्रांसमिट करता है, कई दिन तक, 14 दिन तक ये वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड मानते हैं। इसलिए हम पेशेंट्स को क्वारंटाइन करते हैं, अलग करते हैं 14 दिन के लिए, ताकि दूसरों को ट्रांसमिट ना करे। तो उसके सिम्टम लक्षण ही होते हैं, जैसे आमतौर सर्दी खांसी बुखार ऐसे ही आता है, तो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि कोरोना की कोई और दूसरा सर्दी वाला वायरस है, राइनो वायरस, एडिनो वायरस, ये सभी नॉर्मल वायरस हैं जो सर्दी करते हैं, तो इसमें आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन होता क्या है, ये जल्दी से फेफड़े में घुसा है और निमोनिया करने लगता है, तो दम लगना, सांस फूलना, छाती दुखना, ऑक्सीजन कमी होना, सुस्ती आना, ये सब होने लगता है, खाना पीना कम कर देना, दम लगना, छाती का दुखना, ये सब चीज़ें ऑक्सीजन कमी के कारण होती है। तो ये टिपिकल रेस्पिरेटरी वायरस है, जिससे और जिससे निमोनिया जो जिन बच्चों को, जो बच्चों को, बड़ों को जो निमोनिया होता है उसी प्रकार से होता है, लेकिन चूंकि ये बहुत गहरा रूप लेता है इसलिए इधर डेंजरस वायरस है। डॉक्टर साहब, जैसा कि मतलब जो जैसा कि किसी को हुआ है कोरोना वायरस और फिर वो जो है मतलब दूसरे को धारण कर लेता है, तो वो किस तरह से मतलब दूसरे को धारण करता है? ये सही सवाल पूछा आपने, किस तरीके से वायरस का म्यूटेशन होता है। क्या देखिए, ऐसा कुदरत में इतने सारे खरबों वायरसेस हवा में पड़े हुए हैं, बैक्टीरियाज पड़े हुए हैं, तो उनकी नई नई जाति बनती रहती है, वो उनकी नई जनरेशन पैदा होती है। तो जब इंसान जब इंटरफेयर करता है इसमें, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई एंटीबायोटिक हम देते हैं किसी मरीज को, किसी बैक्टीरिया को मारने के एंटीबायोटिक देते हैं, अब वो एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा सर्कुलेट अगर सिस्टम में होती है तो कुदरत उस बैक्टीरिया के अंदर कुछ मैकेनिज्म ऐसे डेवलप करता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। उसमें क्या होता है कि वो ऊपर अपने कवच बना लेता है, कवर डेवलप कर लेता है, कुछ खुद जो प्लास्मिड बना लेता है, तो ये सब केमिकल्स बनाता है बैक्टीरिया खुद, ताकि हम उससे लड़ जुड़ सकें, जो नई नई शक्तियाँ, नई नई एंटीबायोटिक जो इंसान डेवलप कर उसके अगेंस्ट लड़ सके। वैसे ही वायरस का मसला है, वायरस भी म्यूटेट होते रहता है, वो चेंज होते रहता है, उसके अंदर उसको नए तरीके से लड़ने की खुद और पैदा होती रहती है, तो इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो इस वायरस ने नॉर्मली पहले भी था, छोटी मोटी सर्दी करता था, अब ये म्यूटेट हो गया है और उसने अपने स्पाइक जैसे बना लिया कि नाक में, फेफड़ों में जाकर जब घर बना लेता है तो वो ARDS डेवलप कर देता है। तो नहीं, उसकी उसके अंदर जीन्स जो होते हैं, उसके अंदर जो सिस्टम होता है गवर्न करना, वो चेंज होता रहता है। मतलब ये काफ़ी गंभीर है वायरस, तो इससे निपटने के लिए उपाय क्या है, मतलब कैसे बचे? हाँ, एक ही तरीका है कि जो भी मरीज को जो सर्दी खांसी बोल के पेशेंट को अगर आता है और आपको लग रहा है कि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, कहाँ चाइना से या से इंटरनेशनल पोर्ट्स अगर होकर गुजरा है, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन रखना है उसको हो सकता हो। हालांकि अभी इंडिया में नहीं आया उतना, लेकिन फिर जिन जगहों पे आया हो तो उन्होंने फॉर्चुनेटली क्वारंटाइन कर लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको लक्षण उतने नहीं दिखते हैं, सिर्फ छोटी मोटी सर्दी बोल के आते हैं। तो अगर आपको लग रहा है मरीज के अंदर सर्दी खांसी से लक्षण लग रहे हैं और सांस फूल रही, दम लग रहा है, तो हमको उसके उसके ब्लड काउंट से मालूम पड़ जाता है वायरल निमोनिया। एक्सरे में भी पता चल जाता है कि नहीं, उसके फीचर्स अलग होते हैं, बैक्टीरियल निमोनिया के एक्सरे में लक्षण अलग दिखते हैं, वायरल निमोनिया लक्षण अलग
कर लेते हैं, इवन ब्लड काउंट से भी अपनों को कुछ क्लू मिल जाता है कि लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए होते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट पर असर पड़ता है, तो इससे काफी तो क्लू मिल जाता है। एग्जैक्ट कंफर्म करना टेस्ट करना होता है। टेस्ट कौन सा होता है? थ्रोट स्वैब होता है, गले से मसाला लेके चेक करते हैं, बलगम लेके चेक करते हैं, इवन ब्लड से भी मालूम कर सकते हैं। पीसीआर टेस्ट होते हैं, आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है, उसके जरिए आप मालूम कर सकते हैं कि वायरस है। यहाँ इंडिया में एनआईवी लैब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के अंदर उनके पास उसकी फैसिलिटीज हैं, इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है वायरस, ऐसा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। डॉक्टर साहब, मान लीजिए अगर किसी को सांस की तकलीफ है यानी दिक्कत है और जो उनके पड़ोसी है उनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो है कोरोना वायरस है, तो ये मतलब इससे निपटने के लिए कैसा कर सकते हैं, मतलब वो कहाँ, मतलब किससे सलाह लें, किस तरह से बचें, इसके बारे में जरा आप बता जी। अगर आपको डाउट है कि फलाना मरीज उस एरिया से है जहाँ पर कोरोना वायरस सर्कुलेट हुआ है, तो सबसे पहला काम वो मरीज को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर उसको अच्छे से जांच करेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसको सैंपल्स भेजेंगे एनआईवी के अंदर, उनको लगा कि कोरोना जैसा है या सस्पिशन है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल हॉस्पिटल्स बनाए जहाँ पर कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ही रखा जाएगा। तो उन पेशेंट्स में उनको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, उन पेशेंट्स को क्वारंटाइन करना चाहिए, उनको दूसरों से मुलाकात करने को नहीं देना चाहिए, और पेशेंट को आइसोलेट करके इवन जो हेल्थ केयर गिवर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, वो भी अपने प्रोटेक्शन देते हैं। मास्क होते हैं, गाउन होते हैं, स्पेशल मास्क होते हैं, N95 मास्क होते हैं, जो स्पेशल मास्क होते हैं, क्योंकि ऐसा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने से रोकते हैं, तकरीबन एक 6 से 10 घंटा वो हिफाजत करते हैं, तो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और मरीज को अपनी इम्यूनिटी भी अच्छी रखनी चाहिए, इन द सेंस कि विटामिन लेते रहना चाहिए, विटामिन सी का अच्छा रोल इसमें पाया जाता है, और खूब फ्लूड्स पीना चाहिए, एडिक्वेट हाइड्रेशन होना चाहिए बॉडी में, ये सब जरूरी है। डॉक्टर साहब, अभी देखा गया है कि कुछ तरह तरह के जो है तस्वीरें आ रही हैं कोरोना वायरस के, मतलब कि वो कुछ अजीब हो जा रहे हैं सकल लोगों के, तो ऐसे में जो है मतलब जो लोग हैं वो अभी हॉस्पिटल में है, एडमिट है, लेकिन उनके पास दवा नहीं है, तो मतलब ये इसके लिए क्या होना चाहिए? हाँ, तो वेरी अनफॉर्चुनेट आपने सही कहा, चूंकि उस वायरस को मारने की प्रॉपर दवा नहीं है, वो वायरस आके अपना घर बनाता है और 10 से 14 दिन में चले जाता है, ठीक है ना। उस दरमियान आपको सिस्टम को सपोर्ट करना है, मतलब क्या वायरस ने पेपर में गया, निमोनिया डेवलप हुआ, ऑक्सीजन कमी डेवलप, आपको पेशेंट ऑक्सीजन देना है, अगर सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको वेंटिलेटर वगैरह की जरूरत पड़ती है, या एनआईवी मतलब नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर सपोर्ट जरूरत पड़ती है, बायोपैप सीपैप वो सब देना होता है ताकि पेशेंट को सपोर्ट करे, ऑक्सीजन की कमी ना पड़े। इसके अलावा पेशेंट खाना पीना छोड़कर ग्लूकोज देना होता है, फ्लूड्स मेंटेन करना होता है, किडनी पर भी असर पड़ता है, यूरिन आउटपुट पेशेंट का अच्छा होना चाहिए, वो देखना चाहिए, बेसिक सपोर्टिव थेरेपी है, और वक्त के साथ वायरस को चले जाता है। ऐसे भी पेशेंट बहुत सारे हैं जो सर्वाइव कर चुके हैं, मतलब वायरस के जो मेन लक्षण है वो सांस का जो है सर्दी खांसी वगैरह, तो मतलब अगर ये सब अगर होता है, अगर उनके बच्चों को होता है, तो वो मतलब सतर्क हो जाए, कोई अच्छे डॉक्टर को सलाह दे। तो ये रहे हमारे जो है डॉक्टर शेख सिद्दीकी साहब, जो काफी माहिर हैं, काफी जानकार हैं, जो उन्होंने जो है कोरोना वायरस को लेकर जो है उन्होंने जानकारी दी, आखिर में बचना कैसे है और इसके लिए किस तरह से जो है निपटना है और डॉक्टरों से किस तरह से सलाह लेना है, और ये बीमारी आ कैसे रही है, जानवरों के थ्रू आ रही है या कैसे फैल रही है, इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ डॉक्टर सिद्दीकी सर जो है वो बात कर रहे थे। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।